नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथ काविंद्र चौहान। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस ईमानदारी का सबूत शायद नहीं दे पा रही है। दरअसल ये मामला बड़कोट का है जहां पुलिस और आमजन के साथ नोकझोंक हो गई है। आपको बता दें कि बड़कोट पुलिस वर्दी का धौंस दिखा रही थी, साथ ही अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती दिख रही थी। वहीं SI की तरफ से पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशान किया गया। आखिर बड़कोट पुलिस की कार्यप्रणाली पर आमजन क्यों सवाल उठा रहे हैं? दरअसल आमजन को आवाजाही में दिक्कत थी, जिसके चलते पुलिस और आमजन दोनों में बहस छिड़ गई थी। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस और आमजन के बीच यह पूरी बहस हुई। आपको बता दें वर्दी का धौंस दिखाते हुए नजर आई है पुलिस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की वर्दी पहने ये शख्स अपना धौंस दिखा रहा है, वर्दी का धौंस दिखा रहा है। SI की तरफ से पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशान किया गया। SI ने पैदल चलने वाले लोगों को परेशान किया, उन पर वर्दी की धौंस दिखाई है। ये पूरा मामला टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस और आमजन के बीच ये पूरी बहस देख सकते हैं किस तरीके से एक वर्दीधारी इंसान आम लोगों पर अपनी धौंस दिखा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में डॉक्टर धन सिंह रावत सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन और पुनर्वास उच्च शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के साथ BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राजकीय उपमेला चिकित्सालय हरिद्वार में SDRF की मदद से लगभग 4,25,00,000 रुपए की लागत से निर्मित RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर 2021 तक पूरे उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम 58,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और उत्तराखंड देश में वैक्सीन लगाने में तीसरे नंबर पर है, जिसे हम वैक्सीन लगाने के मामले में पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में जो गांव 100% वैक्सीन लगवाने में पहले पायदान पर आएंगे उन्हें हम 3,00,000 रुपए का इनाम देंगे। तो आपके बता दें कि RT-PCR लैब का ये लोकार्पण किया गया है और साथ ही कहा गया है कि तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आ चुका है वैक्सीन लगाने के मामले में। साथ ही इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि जो गांव इस वैक्सीन लगवाने के मामले में नंबर 1 पर आएगा उनको इनाम दिया जाएगा और इनाम में उनको दिए जाएंगे 3,00,000 रुपए। तो 3,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो गांव वैक्सीन लगवाने के मामले में पहले पायदान पर नजर आएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं RT-PCR लैब का ये लोकार्पण किया गया जिसमें मंत्री जी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के मामले में पहले नंबर पर लाना चाहते हैं प्रदेश को, ऐसा कहना है मंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समयावधि में जो गांव 100% वैक्सीन लगाने में पहला पायदान पाएगा उसको 3,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वर्ष 2019 में राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेज की दरों को पुनरीक्षित किया गया था, लेकिन उस समय ITC प्रबंधन द्वारा जो EPF की जमा किया गया वो पुरानी दरों पर ही किया गया जुलाई माह तक। हम इसकी शिकायत लगातार श्रम विभाग में की, EPF विभाग में की, केंद्रीय जो भविष्य निधि आयुक्त है उनसे की, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है लगातार 2 साल बीत जाने के बावजूद। दूसरा, जो न्यूनतम वेज पुनरीक्षित हुआ हमारा बड़ा था उसमें परिशिष्ट दो था जो वो काम से संबंधित था, उसकी शिकायत हमने श्रम विभाग में करी थी कि इसका अनुपालन जो है पूरे शिडकुल द्वार से है। खबर शिवालिक नगर से है जहां शिवालिक नगर चौक पर फूड श्रमिक यूनियन ITC ने श्रम विभाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे फूड श्रमिक यूनियन ITC के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि साल 2019 में राज्य सरकार की तरफ से श्रमिकों की न्यूनतम वेज को पुनरीक्षित किया गया था। उसको लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायतें की गई, जिसके बाद EPFO पुरानी दरों पर लागू कर दिया गया, जिसके संबंध में भी कई बार आवाज उठाई गई और शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
श्रमिकों का कहना है कि अब ईपीएफ की बढ़ी हुई दरों को सिडकुल स्थित सभी फैक्ट्री प्रबंधक लागू नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि आज श्रमिकों की तरफ से श्रम विभाग का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इसकी बाइट है वो। वर्ष 2019 में राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेज की दरों को पुनरीक्षित किया गया था, लेकिन उस समय आईटीसी प्रबंधन द्वारा जो ईपीएफ की जमा किया गया वो पुरानी दरों पर ही किया गया जुलाई माह तक। हम इसकी शिकायत लगातार श्रम विभाग में की, ईपीएफ विभाग में की, केंद्रीय जो भविष्य निधि आयुक्त है उनसे की, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है लगातार 2 साल बीत जाने के बावजूद। दूसरा, जो न्यूनतम वेज पुनरीक्षित हुआ हमारा बड़ा था उसमें परिशिष्ट दो था जो वो काम से संबंधित था, उसकी शिकायत हमने श्रम विभाग में करी थी कि इसका अनुपालन जो है पूरे शिडकुल मालिक नहीं कर रहे हैं, मजदूरों से उनका जो कार्य कुशलता है उससे अधिक काम लेते हैं और जो तनख्वाह देते हैं वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड की तनख्वाह दे रहे हैं। इस पर भी श्रम विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 3 मंचलों को सड़क पर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ना भारी पड़ गया। वहां पर मौजूद भीड़ ने इन मंचलों की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 मंचलों को पकड़कर अपने साथ उनको लेकर गई है। इस मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार 3 मंचले राह पर आती जाती लड़कियों पर अश्लील फवतियां कस रहे थे और अश्लील इशारे भी कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की और उन्हें सबक सिखाया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 मंचलों को भीड़ ने सबक सिखाया है। आने जाने वाली लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी कर रहे थे ये 3 मंचले, जिसको पकड़कर वहां भीड़ ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। जमकर पिटाई के बाद इनको पुलिस को सौंप दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 3 मंचले आते जाते जो लड़कियां वहां से गुजरती थी उन पर अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे, उन पर अश्लील इशारे करते थे। इसके बाद इनको भीड़ ने पकड़ लिया और अच्छे से सबक सिखाया, जमकर इनकी पिटाई की और इसके बाद इनको पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इन दिनों उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी, लगातार हो रही बारिश अपना कहर दिखा रही है। हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर में बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर ने अपनी विधानसभा का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसमें विधायक ने अपनी विधानसभा में पड़ने वाले दर्जनों गांव के लोगों के हालचाल जाने और बारिश के कारण जहां जहां क्षति हुई उन किसानों से भी मिले और जल्द ही उनकी भरपाई करने की आश्वासन उनको दिया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह से पानी जो है वो सड़कों पर जाम नजर आ रहा है, जिसके बाद विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की और साथ ही उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उन पर वो व्यापक कार्रवाई करें और लोगों की मदद करें। तो विधायक सुरेश राठौर आज अपनी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बारिश के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, जिस तरीके से पानी भर गया आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गांव में किस तरीके से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में विधायक सुरेश राठौर पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत की और साथ ही उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही चीजें ठीक की जाएंगी। बाढ़ के कारण से जो हानि हुई थी उसका सर्वे आज हमने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उनके अधिशासी अभियंता, कृषि के लोग और राजस्व के लोग, लेखपालगण, राजस्व के अधिकारी और जो अन्य अधिकारी गण थे उनको लाकर मौका मुआयना कराया। जहाँ जहाँ क्षति हुई थी विधानसभा ज्वालापुर में
उसको पूर्ति के लिए हमने तत्काल कहा कि जो राहत राशि देनी है किसानों को वो मुहैया करा दें, और जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको खोला जाए, निर्माण उनका कराया जाए। जिस स्थान पर खड़े हैं हमने 45 करोड़ के लागत से यहाँ पर पुल की स्वीकृति के लिए दे रखा, तकनीकी छोटी मोटी कमियों के बाद उसको मैं समझता हूँ जल्दी यहाँ शुभारम्भ कर दिया जाएगा, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज़ादी के बाद हम टांडा हसनगढ़ के लिए, गांजा से लेकर टांडा हसनगढ़ के लिए 4 किलोमीटर की सड़क पर एक बहुत बड़ा पुल दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विधायक जी, रास्ते बिल्कुल ही खराब हो रखे हैं, कुछ देखने में देखिए आपदा है, आपदा के कारण से हम लोग मैदान की दृष्टि में कह सकते हैं कि रास्ते बहुत खराब है, जहाँ पहाड़ के ऊपर बड़ी बड़ी त्रासदी हो जाती है तो वो भी झेलते हैं, आपदा को सब लोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करवाएंगे। तो ऋषिकेश के बाद अब नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में भी चेन स्नेचिंग करने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो पलक झपकते ही महिलाओं के गले से चेन साफ कर देती हैं। यही नहीं, बैग में रखे पर्स निकालने में भी महिलाएं माहिर हैं। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने ऐसी ही एक युवती सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं पर हरियाणा निवासी एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन साफ करने का आरोप है। हालांकि महिलाओं से पुलिस चेन बरामद नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनको जिला कारागार में भेज दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऋषिकेश में भी पर्स चोरी करने के आरोप में 3 महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने शहरवासियों से संदिग्ध दिखाई देने वाली महिलाओं के बारे में तुरंत जानकारी करीबी पुलिस थाने को देने की अपील की है। आपको बता दें, एक युवती सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है चेन स्नैचिंग के मामले में। लगातार मंदिरों के आसपास इन महिलाओं का गिरोह सक्रिय था, जो वहां से गुजरने वाले लोगों को और मंदिर में आने वाले लोगों के गले से चेन लूटना और पर्स लूटना, इन तमाम तरह की चीजों को अंजाम देती थी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लक्ष्मण झूला पुलिस थाना, जहां का यह पूरा मामला टीवी स्क्रीन पर आप फुटेज भी देख सकते हैं, जहां पर यह महिलाएं जो सक्रिय नजर आती हैं वहां पर मंदिर परिसर में आने वाले लोगों के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देती। लगातार होती ऐसी घटनाओं से पुलिस भी अब एक्टिव मोड पर आ गई है। पुलिस ने वहां लोगों से अपील की है कि ऐसे कोई भी संदिग्ध दिखने वाले लोगों की पहचान कर पुलिस को तुरंत इत्तला करें। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है, ये खबर जो है, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेवी मंदिर की है, जहां पर 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन साफ की थी। आपको बता दें, लगातार ऐसी बढ़ती घटनाओं के चलते पुलिस अब सक्रिय है। पुलिस ने लोगों से भी ये अपील की है कि लोग ऐसे संदिग्ध लोगों की जानकारी अपने नज़दीकी थानों में जल्दी दें। आपको बता दें कि मंदिर परिसर से चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करना कई दफ़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन आपको बता दें कि नीलकंठ महादेवी मंदिर परिसर में 3 महिलाएं जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन साफ कर रही थी जिस वक्त इनको पकड़ा गया, और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। पूरा मामला लक्ष्मण झूला थाना के अंतर्गत आता है, तो लक्ष्मण झूला पुलिस ने कार्रवाई की, महिलाओं को गिरफ्तार कर फिलहाल इनको केंद्रीय कारागार भेजा जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 4 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया, जो पीड़ित को घेर के उसके चेन निकाल रही थी तथा चेन उन्होंने दूसरे को दे करके वहाँ से चोरी कर लूट कर ली थी। तो इस पर एक मुकदमा पंजीकृत करके 4 महिलाओं को जेल भेजा गया है तथा इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में न बढ़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और 10 कॉन्स्टेबल्स को अतिरिक्त फोर्स लगाई। रुख करते हैं लालकुआ प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य को कांग्रेस SC विभाग का नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है। इधर इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, SC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सहित केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इधर नई जिम्मेदारी मिलने पर इंद्रपाल आर्य ने कहा कि आने वाले चुनाव में
एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस को सत्ता पर पहुंचाना है। शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए काम करते हुए जनता के बीच समन्वय स्थापित कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ मिलकर चुनाव में ईमानदारी से काम करने को लेकर रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें, इंद्रपाल आर्य को लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जनता की आवाज बनकर सत्ता तक पहुंचाना है, ये कहना है इंद्रपाल आर्य का। लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं इंद्रपाल आर्य। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को शीर्ष पर पहुंचाना और कांग्रेस को सत्ता पर आसीन करवाना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। इंद्रपाल आर्य जो है लोकसभा प्रभारी, उनको नियुक्त किया गया है। उनका कहना है कि वो जनता की आवाज बनेंगे। इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि वो सत्ता तक जनता की आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके से सियासत गर्म है, अब ऐसे में जिम्मेदारियां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इंद्रपाल आर्य को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। इंद्रपाल आर्य का कहना है कि वो जनता के लिए काम करेंगे और साथ ही सत्ता को, जो सत्ता पर जो पार्टी विराजमान है उसको उखाड़ फेंकेंगे और साथ ही कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इसके साथ ही इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि जनता की आवाज को वो सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंद्रपाल आर्य, जिनको आर्य एक नई जिम्मेदारी मिली है। उनको लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उनको लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। जो हमारी कांग्रेस की नीति है उस नीति को हर जनता तक पहुंचाने का मेरा कार्य रहेगा और 2022 हमारा मिशन है। जो आज इस सरकार में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो आज हमने बुद्ध पार्क में अभी धरना प्रदर्शन करा, बुग्गी चलाई, ताकि इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि आज हम लोग गाड़ी में छोड़ करके बुग्गी चलाने पड़ रही है, गाड़ी चलाने पर बैलगाड़ी तक निकालने का हम तैयार हो गए हैं, ट्रैक्टर खींचना पड़ रहा है और डीजल पेट्रोल और गैस है ये दाम बढ़ा दिए हैं और महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल इन लोगों को इस प्रदेश से क्या देश से जाना तय है। लालकुआ में इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित होने से पहले शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार नजर आया। यहां राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य और बोर्ड प्रभारी ने बताया कि आज इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में 300 से ज्यादा छात्र हैं, मात्र 10 से 12 दिन में शिक्षा विभाग की तरफ से इतनी बड़ी तैयारी करना काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों के भविष्य की उज्ज्वल कामना की है। आपको बता दें कि एग्जाम के बाद अब परिणाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बच्चों के भविष्य की उज्ज्वल कामना करते हुए वहां जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी तैयारियों को अंजाम देना काबिले तारीफ है। इसके साथ ही लालकुआं का ये इंटर हाई स्कूल, इसमें रिजल्ट घोषित होने से पहले शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से अपनी जो तैयारियां हैं उनको मजबूती दे दी है। सब लोग, जितने वहां पर अधिकारी, शिक्षक, यहाँ प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, सब लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। रिजल्ट घोषित होने से पहले सभी कापियों को अच्छे से जांचा जा रहा है, सभी तरह के वहाँ पर प्रिवेंशन मेथड्स जो हैं उनको लिया जा रहा है। साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य और बोर्ड प्रभारी, उनका कहना है कि इतनी जल्दी परिणामों से पूर्व तैयारियां करना काबिले तारीफ है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हाईस्कूल इंटर कॉलेज का नज़ारा है, जहाँ पर परिणाम घोषित होने से पहले अधिकारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिजल्ट घोषित होने हैं उससे पहले ये कोरोना काल के दरमियान भी वहां पर सभी लोग, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सब लोग अपने कार्य में मजबूती से डटे हुए हैं। रिजल्ट इतनी जल्दी, तमाम अड़चनों के बीच भी इतनी जल्दी रिजल्ट घोषित करना, उससे पहले कापियों को जाँचना व तमाम चीज़ें करना काबिले तारीफ है। इसके साथ ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई है। आपको बता दें कि रिजल्ट घोषित होना है 10th और 12th के छात्रों का। उन्होंने बताया है, वहाँ पर जो अध्यापक मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि स्कूल में लगभग 300 से ज़्यादा छात्र मौजूद हैं, 300 से ज़्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 10 से 12 दिन के अंदर पूरी तैयारियाँ कर लेना, इतनी बड़ी तैयारियों को अंजाम देना
शिक्षक और प्रधानाध्यापक इसके लिए पूरी तरह से तारीफ के काबिल हैं। आपको बता दें कि ये स्कूल का मामला जहां पर 10th हाई स्कूल और इंटर के जो परीक्षा परिणाम हैं वो घोषित होने को हैं, और घोषित होने से पहले जब वहां पर बातचीत की गई प्रधानाध्यापक से, वहां पर बातचीत की गई तमाम शिक्षकों से, तो उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम आने से पूर्व इस तरह की तैयारियां कर लेना तारीफ के काबिल है। आपको बता दें कि 300 से ज़्यादा वहां पर जो छात्र हैं उस स्कूल में पढ़ते हैं उनकी कॉपियां जांचना और तमाम तैयारियां करना काबिल तारीफ। हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में 300 से भी अधिक छात्र संख्या है और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए भी अच्छा परिश्रम किया और उनके परिश्रम का फल आज मिलने का समय आ गया है और हमें आशा है कि हमारा परीक्षा फल अच्छा रहेगा। आने वाले बच्चों को भी हमारा यही संदेश है कि बच्चे अपने करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रयास करें, अपने अध्ययन में लगातार लगे रहें, ऐसी हम उनसे आशा करेंगे। विषय है क्योंकि हमारे 17 तारीख को मूल्यांकन पूरा हुआ है और इतने कम दिनों में कहता है 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित करना, इसके लिए कहता है हमारा उत्तराखंड विद्यालय परिषद जो है बहुत ही बधाई का पात्र है और सारे विभाग ने पूरा काम करने का रहा है कि हम लोग 10 दिन के अंदर रिजल्ट तैयार करके दे दे रहे हैं और सभी बच्चों को अग्रिम बधाई देते हैं हम कि सभी अच्छे नंबर से पास हों और आगे कहता है पढ़ाई के लिए कहता है उनका भी है 10th वालों के लिए आगे 11th का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा कहता है जिन बच्चों को 12th होना है उन वो बच्चे आगे इंस्टीट्यूट में जा करके आगे डिग्री की पढ़ाई या इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई करके करेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि उनका रिजल्ट यह है बहुत कम समय में घोषित कर दिया गया है। हाँ कहता है जो बच्चे थे 303 बच्चे थे कहता है हाई स्कूल में और 303 ही थे इंटर में, ये कुल मिला के 606 बच्चे हमारे विद्यालय में पंजीकृत हैं जिनका आज रिजल्ट आना है। पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टा खाल में नौगांव खाल बाजार में सरकारी शराब की दुकान शराब को सरकारी रेट से अधिक मूल्यों पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय सिंह का कहना है कि काफी लंबे समय से शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। हमारे द्वारा कई बार वाइन शॉप मालिक को इस बारे में बताया गया फिर भी वो अपनी मनमानी करने में व्यस्त रहे और धड़ल्ले से बिना किसी प्रशासन के डर के ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल का कहना है कि वाइन शॉप का और वाइन शॉप के अनुज्ञापी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें पूरा मामला शराब को ओवर रेट बेचने का है। इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारी से जब इस चीज पर मांगा गया, जब उनका वर्जन पूछा गया, तो उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। ओवर रेट शराब बेची जाती है, आपको बता दें ये अंग्रेजी शराब की दुकान टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओवर रेट शराब को बेचे जाने का ये पूरा मामला कई बार समझाने के बावजूद, इत्तला करने के बावजूद अभी भी यहाँ पर शराब ओवर रेट बेची जाती है। आपको बता दें कि सरकारी रेट से अधिक मूल्यों पर शराब बेचना इल्लीगल है लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि लंबे समय से यह ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है लेकिन अभी तक इस पर विराम नहीं लग सका है। लगातार खुलकर ओवर रेटिंग शराब बेची जा रही है और शराब बेचने के जो सरकारी रेट है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मनमाने तौर पर मनमाने पैसों के साथ यह शराब जो है यहां पर बेची जा रही है। कोई भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखना चाहता कि सरकारी रेट क्या है। धड़ल्ले से जो वहां के जो सेल्समैन हैं वो शराब बेच रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, यहां पर सरकारी रेटों से अलग हटकर ऊपरी रुपए लेते हुए यहां पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा है कि यहां पर ये खेल ओवर रेटिंग का जो खेल है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। जिसके बाद जब जिला आबकारी अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं लेकिन ये देखना अहम हो जाता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई दफा हमने देखा है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में इसी तरह से बाहर से आने वाले लोगों से भी अधिक रेट वसूला जाता है। सरकारी जो मानक हैं, सरकारी जो रेट हैं उनसे बढ़कर ही रुपए लिए जाते हैं। इसके बावजूद जो जिला स्तर पर जो आबकारी के जो अधिकारी हैं वो कार्यवाही करने से बचते रहते हैं। आपको बता दें
कि उत्तराखंड में ऐसा काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि सरकारी जो रेट है उनसे हटकर और ज्यादा पैसे लिए जाते रहे हैं। ये पूरा मामला जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, पूरा मामला पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टा खाल के नौगांव खाल बाजार का है, जहां ये सरकारी दुकान जिसमें ओवर रेट शराब बेची जा रही है, ये सरकारी जो दाम है उससे हटकर ऊपरी रेटों पर यहां शराब बेची जाती है। ये रेट टू रेट अलग दिखाते हैं, देखो सोलमेट का क्वार्टर 130 का 150 में बेच रहे हैं और मैकडोल का क्वार्टर 150 की जगह 170 में बेच रहे हैं। हम लगातार इनको बोलते रहते हैं कि भैया रेट टू रेट बेच लो, पर फिर भी नहीं मानते अपनी बात। मैंने एप्लीकेशन दी थी मगर उन्होंने कहा पहले हम इनसे बात करेंगे और हम अवगत कराएंगे एसडीएम साहब। तो इस तरह से यहाँ पे ओवर रेट चलता था, ओवर रेट हमेशा चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।